मार्च को रिलीज हुई है कैलकटा में और अभी छठा वीक चल रहा है और हाउसफुल जा रहा है। तो हम लोग अभी बॉम्बे में और बाकी दिल्ली नोएडा वगैरह बेंगलोर हैदराबाद में अभी रिलीज़ किया है थर्ड ऑफ मई को और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बंगाली फिल्म है, रीजनल फिल्म है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो यूनिवर्सल है। वो एक कमिंग ऑफ एज लड़की, अंडर कॉन्फिडेंट लड़की की स्टोरी है जो बाद में अपनी कॉन्फिडेंस वापस उसको मिलता है थ्रू नीटिंग अ स्वेटर। सो द स्टोरी इज़ क्वाइट यूनिक, द सॉन्ग्स आर वेरी पॉपुलर ऑलरेडी, तो गाने सारे हिट हो गए और पॉपुलर सब गाना और सावन ऐसे जो भी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग चैनल्स हैं वहाँ पे टॉप 10 में सारे गाने हैं, जो कि बहुत दिन बाद ऐसे कोई भी फिल्म हिंदी इंग्लिश बंगाली में पहली बार ऐसा हुआ है गाने इतना पॉपुलर हो गए। और दिस फिल्म हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर फिल्म एंड बाई क्रिटिक एंड ऑडियंस इन द दिस ईयर्स टॉप 10 बंगाली फिल्म में से एक ये है। तो आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम हिंदी ऑडियंस क्योंकि लैंग्वेज बहुत न्यूट्रल है और यू नो द स्टोरी इज़ वेरी यूनिवर्सल। बट सी सर, ये कहना चाहूँगा कि जैसे यूनिक स्टोरी लाइन जो है यूनिक है, तो आपने बोला कि मासेस में काफ़ी अपील कर रही है, तो क्या ये फिल्म क्रिटिक्स के लिए है या एक क्लास ऑडियंस के लिए या पूरे मासेस के लिए? अभी एक्चुअली इंडियन सिनेमा इस दौर से जा रही है जहाँ पे कमर्शियल और इंडिपेंडेंट सिनेमा का गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसा नहीं होता कि डांसिंग अराउंड द ट्रीज टाइप ऑफ फिल्म्स आर नॉट वर्किंग एनीमोर, लेकिन इस फिल्म में एक लड़की की शादी नहीं होती है और उसके पास एक चैलेंज आता है कि वो एक महीने में अगर एक स्वेटर बुन के दिखाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी। उसके थ्रू, स्वेटर बुनने के थ्रू उसकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आता है, उसके कैरेक्टर में क्या परिवर्तन आता है, उसको लेकर फिल्म बनाई है। और ये घर घर की कहानी है क्योंकि सबके घर में ऐसा होता होगा कि एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़की है या लड़का है जिसको अपने कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत काम नहीं कर पाता, कोई क्रिकेट नहीं खेल पाता, कोई इसकी शादी नहीं हो रही होती, तो ये कहानी सबको इस तरह से रिलेटेबल लगता है। लास्ट टाइम की बंगाली फिल्म में काफ़ी समय से जो है बहुत क्लासिक बनते हैं, ऑस्कर तक गए हैं, बहुत स्टैंडर्ड होता है उस फिल्म का। आज के दौर में जो फिल्में बन रही है उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड है? बंगाली कल्चरली वेरी एडवांस्ड लैंग्वेज है और सिनेमा बहुत इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज, तो उस हिसाब से बहुत आगे शुरू में 1950s के अगर फिल्म देखेंगे या 60s की फिल्म देखें बहुत ही ज़्यादा अच्छे फिल्म होते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वही होता है जो मास को जो अच्छा लगे वही करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से पॉपुलर फिल्म जो मतलब क्लिशे टाइप की फिल्म बनने लगी थी अभी फिर वापस आ रही है। अभी आजकल बहुत मीनिंगफुल बंगाली सिनेमा हो रहा है, एक्टर्स आर एक्टिंग इन हिंदी फिल्म्स एंड इवन अब्रॉड देयर आर एक्टर्स, जो बंगाली एक्टर्स जो बाहर बहुत फिल्मों में काम करते हैं, तो द इंडस्ट्री इज इमर्जिंग एज ओवरऑल द इंडस्ट्री इन इंडिया इज इमर्जिंग। कि एक बंगाली फिल्म एक क्लासिक फिल्म बनाया आपने, काफ़ी अपील करी है दर्शकों को, क्या करना चाहेंगे, क्या वजह थी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए? प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा जो कारण था इसका स्क्रिप्ट, क्योंकि बंगाली फिल्म्स जो अभी बन रही है उसमें जो कंटेम्प्रेरी जैसे अभी हिंदी में जैसे बधाई हो है इस तरीके की जो मूवीज बनती है वो बंगाली में नहीं बन रही थी, और इस तरीके का स्क्रिप्ट एक नया एक्सपेरिमेंट था, तो नए एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली फंड करने के लिए थोड़ा सा साहस लगता है, बट हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, ये टाइम है कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी इस तरीके की मूवीज़ बननी चाहिए। जो हमारे मूवी की सबसे बड़ी खासियत है कि एक 10-12 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के लोगों तक सबको अच्छा लग रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट किया है सर रिटर्न के लिए भी सोचा होगा, लेकिन जो बंगाली फिल्म का आपको लगता है जिस तरह का रिटर्न मिल पाएगा जो एवरेज हिंदी फिल्म से मिलता है या दूसरे? बिल्कुल, देखिए हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह है वो तो ऑलरेडी वी हैव रिकवर्ड, और एज ए बंगाली सिनेमा वी आर रनिंग 6th वीक सक्सेसफुली हाउसफुल वेस्ट बंगाल में, और आप देखे होंगे मैक्सिमम बंगाली मूवीज़ रीजनल मूवीज़ सेम डेट को नेशनल रिलीज़ होता है। उसका कारण ये है कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते कि फिल्म अच्छी चली नहीं चली बाद में नेशनल होगा कि नहीं। हमारी मूवी 4th वीक में नेशनल रिलीज़ हुई है और PVR के थ्रू से हुई है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी मतलब फिल्म का अच्छा हुआ है, यहाँ भी सक्सेसफुल चल रहा है। राष्ट्रीय फिल्म जो प्रोडक्शन हाउस आपने लॉन्च किया, क्या विजन है आपका आगे चल के, किस तरह का कंटेंट को आप सपोर्ट करेंगे और किस तरह की फिल्में रहेंगे जो प्रोड्यूस? हमारा जो प्रोडक्शन हाउस उसमें हम बेसिकली कंटेंट ओरिएंटेड, जो कंटेंट रिच जो स्क्रिप्ट है वही हम लोग चूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास इसके अलावा 2-3 स्क्रिप्ट है, नेक्स्ट मूवी जो हमारी वो हिंदी है और अभी हम उसमें ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते, बट दैट विल बी विद अ गुड स्टार कास्ट, और
कहा 97% शूटिंग जो है अफ्रीका में होगा, सो दैट विल बी अनदर अ न्यू थिंग वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस। जो लोकेशन हम लोगों ने लिया है वो अनएक्सप्लोर्ड है पूरे इंडिया के लिए, वो फर्स्ट टाइम वो लोकेशन एक्सप्लोर किया जा रहा है। बेसिकली आई एम नॉन अ बंगाली, बट ये मूवी देखने के बाद आई एम अ फैन ऑफ अ बंगाली मूवी, बिकॉज द पैशन विच द डायरेक्टर हैज डन दिस मूवी नाउ इट्स अमेजिंग। ये मूवी सबके दिलों को टच करेगी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी बंगाली दैट आई हैव वॉच्ड। दिस इंग्लिश सबटाइटल्स विद इंग्लिश सबटाइटल्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फुल मूवी। सो द सॉन्ग्स ऑफ द मूवी एंड ऑल इज वेरी गुड, द पिक्चराइजेशन, द लोकेशन इज अमेजिंग, सो यू विल डेफिनेटली लव द मूवी। अचीवमेंट जो किया है, मतलब इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, क्या खास है, क्या डेप्थ है म्यूज़िक में, क्या सोलफुल म्यूज़िक आपने दिया और क्या मतलब चैलेंज रहा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है म्यूज़िक देना इस तरह की फिल्मों में। नहीं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द स्टोरी इज़ वेरी इमोशनल। तो द मेन चैलेंज था कि मतलब वो इमोशनल कंटेंट को म्यूज़िक में ट्रांसलेट कर। तो मी विद द डायरेक्टर शिलादित्य दा, तो हम लोग रेगुलर जैम करते थे, रेगुलर ब्रेनस्टॉर्म करते थे कैसे कैसे क्या करेंगे, म्यूज़िक कैसा कौन सा जोन में जाए म्यूज़िक को लेकर। तो उस हिसाब से म्यूज़िक हम लोगों ने किया, स्टेप बाय स्टेप ऐड ऑन करते गया कि दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक, वी केप्ट ऑन रिजेक्टिंग सॉन्ग्स कि नहीं ये नहीं चल रहा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो ऐसे करके करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऐड करके गया। फिर उसके बाद मतलब अल्टीमेटली जो हुआ, द फर्स्ट सॉन्ग वॉज प्रेमे पड़ा वारुण, इट एंड इट वेंट, इट गॉट वायरल, तो बहुत वायरल हो गया एंड द फुल एल्बम हैज बिकम वायरल, ट्रेंड कर रहा है सब जगह पे, तो बहुत अच्छा है। बट बीइंग अ म्यूजिक डायरेक्टर, आज के ज़माने में जो भी फिल्में आती है बंगाली, यू नो द काइंड ऑफ लिरिक्स बीइंग यूज्ड वो स्टैंडर्ड नहीं होता, तो उसका क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो वही मतलब इसीलिए हम लोग इसमें चाह के लिरिक्स वाइज भी इस गाने में लिरिक्स इतना स्ट्रांग हो ताकि पीपल कैन रिलेट। तो वही हुआ है, सब सॉन्ग का लिरिक्स इतना अच्छा हुआ है कि लास्ट 1.5 महीने से सब लोगों का फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस वॉज माई सॉन्ग। So that was the success of this. Are you just related to the Bengali industry or you work for other things? No, I stay at Bombay. So maine Anurag Basu ke sath bhi kaam kiya, Pritam Da ke sath bhi kaam kiya, to bahut sare bade bade logon ke sath bhi kaam kiya. Parallelly I'm working in Bengali industry also. Thank you very much. जो किरदार निभाने में बताइए और क्या आपको ऐसा इन्फ्लुएंस किया जो आपने फिल्म को एक्सेप्ट किया, क्या किरदार इसके बारे में बताइए? जी, फिल्म का नाम है स्वेटर, आई थिंक नाम ही काफ़ी है फिल्म करने के लिए, ऐसे यूनिक नाम के फिल्म बहुत कम ही बने हैं हमारे इंडिया में, ऊपर से अगर वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, क्योंकि हालांकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री चेंज हो रही है लेकिन अभी भी लड़कियों को लेकर फिल्म बहुत कम बनते हैं, और स्वेटर ऐसी मूवी है जहाँ पर चार लड़कियाँ हैं और चार लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जो सोशली एक मैसेज कैरी करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी एक्टर ये फिल्म करना चाहिए। टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड द प्रोड्यूसर, कैसा ट्रीटमेंट था, किस तरह का माहौल था व्हेन वी वर शूटिंग द फिल्म एंड ऑल अबाउट दैट? डायरेक्टर शिलादित्य मौलिक, होप यू ऑल नो, जिन्होंने मिसेस स्कूटर डायरेक्ट किया अंजलि पाठक के साथ, जो अभय देओल ने प्रेजेंट किया था, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था शॉर्ट फिल्म, उसका नाम है लूलू, जो 14-15 मिलियन व्यूज पा चुका है अभी तक, ना इंटरनेशनल फेस्टिवल में वो इंक्लेड हो चुकी है। तो उनके साथ एक्सपीरियंस हालांकि बहुत अच्छा है, और पूरा शूट कैलकाटा में हुआ है कुछ और दार्जिलिंग में हुआ है कुछ, तो दार्जिलिंग जो है बंगाली के लिए एक हॉलीडे होम है, तो 17 दिन हम लोगों ने शूट किया है वहाँ पर, और पूरा यूनिट हालाँकि यंग बेस्ट था, और डायरेक्टर और सारा यूनिट कास्ट सब यंग थे, और मैंने आई थिंक 2015 में मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया है, और मेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट जो थी वो महेश मांजरेकर के बेटे के साथ थी, सत्या मांजरेकर की मराठी मूवी थी, उसका नाम है जानीवा, जो क्रिटिकली अक्लेम थी। उसके बाद मैंने पंचनेट किया है जो इफी हुआ लास्ट ईयर में आमितोष खानपाल के साथ, ये मेरी पहली बंगाली मूवी है और आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। देखते हैं अभी जी मैंने अभी गिरोस नाव के लिए प्रोजेक्ट किया है जिसका नाम है हलावली, जो रणदीप झा ने डायरेक्ट किया है और रिटन बाई जिशान कादरी, जिन्होंने गैंगस्टर बॉसी को राइटर है, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टॉकिंग अबाउट स्वेटर, माई कैरेक्टर दिस इज श्री, हम लोग इस जनरेशन की लड़कियों के बारे में बात करते हैं जो कॉन्फिडेंट भी है और बहुत सारा शेड भी है, मतलब इमोशनल भी है, लेकिन जो नॉर्मली सोशली प्रेजेंट करते हैं हमारे इस जनरेशन की लड़कियों को, दैट इज़ माई कैरेक्टर। जो दीदी है उसके टू पर्क यहाँ पर देख पा रहे हैं, निशा शाह, जो वो बोल नहीं पाती, उसका वॉइस है स्ट्रीम, तो ऑब्वियसली आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। देखते हैं And what's the vision, what kind of dreams you have for the Bollywood industry, you know, big stars, big directors, kya kehna chahenge, kis ke sath kaam karne ki ichha hai? Big stars, abhi to agar aap dekhoge ki Andhadhun dekh lo, Badhai to
देख लो. सो अभी वो सो कॉल्ड कोई फैंटेसी नहीं है कि मैं इसके साथ काम करूँगी. कॉन्टेंट इज़ द किंग जो अभी हैश टैग है. तो मैं अच्छे स्टोरी पर काम करना चाहूँगी, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहूँगी. Very unique film, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है फिल्म का. Yeah, I really love the concept. I really love the response, like what we are getting. As a long time also long, I really like, you know, I got touched with the project. So I really love this and I'm requesting to all of you, like, please come and watch this one. And what about, really nice. What about you professionally? You are an actress. Yeah, I'm interacting. Yeah, I'm from Calcutta. I direct a lot of movies over there. It's been 5 months of shifting with Bombay. Okay. So are you working on any project or the earlier project? Yeah, I'm working. I did one Hindi movie directed by Ajit Devle as a lead. It will is gonna release soon. One more short film I did for Queen's Film Festival. It's already got selected in the film festival and did digital arts.